साहब ने कहा है, सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, सारी बातें सारे लोगों के बातों को सुनो लेकिन निबेरा अपने अनुसार से करो। मैं कह रहा था कबीर पंथ का मतलब होता है, कबीर का मतलब महान और पंथ का मतलब रास्ता, महान रास्ता। इसको मैं नहीं कह रहा हूं, आप कभी भी शब्दकोश खोल करके देख लीजिए या मोबाइल पे गूगल पे सर्च कर लीजिए कबीर का मतलब क्या होता है, तो कबीर का मतलब महान लिखाएगा। ये विज्ञानों का विज्ञान शब्दकोश, बड़े बड़े विद्वानों का दिया हुआ भाषा है ये। कबीर का मतलब महान, पंथ का मतलब रास्ता, सभी लोग जानते हैं। कबीर पंथ मतलब एक महान रास्ता। प्रश्न ये उठता है, कबीर पंथी कौन? कुछ लोग कहते हैं कबीर पंथी वो है जो कबीर साहब को मानते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं जो कबीर साहब की पूजा आराधना वंदना करते हैं वो लोग कबीर साहब को मानते हैं वो लोग कबीर पंथी। कुछ लोग कहते हैं कबीर साहब को मानते तो है लेकिन संसार के किसी भी देवी देवता को नहीं मानते, वो लोग कबीरपंथी नास्तिक होते हैं। आज मैं सारे प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगा। किसी के जवान में जब कबीरपंथी नास्तिक होते हैं ये कहते हैं, उसके पहले उनको सोच लेना चाहिए कि कौन कबीरपंथी नास्तिक है। आप भी कबीरपंथी हो सकते हैं। इस दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी वर्ण, किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति हो, हर व्यक्ति कबीरपंथी हो सकता है जो सही सत्य विवेक के रास्ता पर चलता हो, जो कर्म कांड और पाखंड से हट करके शांति और आत्मसात करने वाले रास्ता पर चलता हो, जिनके जीवन में अंधविश्वास और कर्म कांड और पाखंड नहीं, वो हर व्यक्ति कबीरपंथी हो। चाहे वो कबीर साहब को जानता हो या कबीर साहब को ना जानता हो, वो हर व्यक्ति कबीरपंथी है जो शांति का काम करता है। अब प्रश्न का उत्तर, जो कबीर साहब को नहीं जानते वो भी कबीरपंथी है, लेकिन जो कबीर साहब को जानते हैं उसमें से अधिकतम लोग कबीरपंथी नहीं है। जो कबीर साहब की पूजा और आराधना करते हैं उसमें भी अधिकतम लोग कबीरपंथी नहीं है। जो कबीर साहब के सत्संग करते हैं उसमें भी अधिकतम लोग कबीरपंथी नहीं है। जो बीड़ी और सिगरेट को नहीं छोड़ पाया क्या कबीरपंथी हो जाएगा? जो निंदा और चुगली को नहीं छोड़ पाया क्या कबीरपंथी हो जाएगा? क्या शराब अंडा मांस मछली को नहीं छोड़ पाया क्या कबीरपंथी हो जाएगा? जो आपस में राज भाई और भाई लड़ते हैं, देरान और जेठान लड़ते हैं, सास और बहू लड़ते हैं, क्या कबीरपंथी हो जाएगा? ये कबीरपंथ का पहचान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कबीरपंथ तो चला लेकिन कबीरपंथ के बाद में पारख सिद्धांत एक नया अडंबर चल पड़ा। लोग ये कहते हैं पारख सिद्धांत सदगुरु कबीर की देन है। आप सभी को बताना चाहूंगा मैं, पारख एक ऐसा शब्द है, पारख का मतलब, पारख सिद्धांत का इतना सरल अर्थ बता दूं मैं, पारख सिद्धांत का अर्थ ये होता है जैसे चीनी और कंकड़ को आप मिला देते हैं और चीनी और कंकड़ को मिलाने के बाद में चींटी चीनी को चुन लेती है और कंकड़ को छोड़ देती है, उसे पारख कहा जाता है और यही पारख सिद्धांत का अर्थ है। जहाँ जड़ क्या है, चेतन क्या है, खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, प्रिय क्या है, अप्रिय क्या है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, कहाँ थुकना चाहिए, कहाँ नहीं थुकना चाहिए, ये परिभाषा सिखलाता है पारख सिद्धांत। पारख सिद्धांत आदमी को भ्रम भूत से, जादू टोना से, भूत प्रेत से, कर्म कांड से, पाखंड से बचाता है पारख सिद्धांत। मैंने बीच में कहा कि कबीरपंथी कुछ नहीं मानते, मैं आप सभी से मैं प्रश्न करना चाहूंगा, आप सभी अपने मन में उत्तर रखिएगा और आपके पास यदि सटीक उत्तर होगा तो मुझे कल आप उत्तर दे सकते हैं। कबीरपंथी कुछ नहीं मानते, इस ये प्रश्न किनके किनके दिमाग में है वो मुझे उत्तर दे सकते हैं। मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ कबीरपंथी क्या नहीं मानते हैं। उत्तर मेरा ये है,
क्या कबीरपंथी पानी को पानी, मिट्टी को मिट्टी, आग को आग, हवा को हवा, जल को जल, आकाश को आकाश, गाड़ी को गाड़ी, माइक को माइक, कपड़े को कपड़े, भोजन को भोजन, मंच को मंच, पंडाल को पंडाल, माँ को माँ, पिता को पिता, पुत्र को पुत्र, बहन को बहन नहीं मानते, पत्थर को पत्थर, मूर्ति को मूर्ति, कागज को कागज नहीं मानते। ये सारे उत्तर मिलेंगे कि हाँ ये तो मानते हैं। तब कबीरपंथी क्या नहीं मानते? तो लोग कहते हैं कबीरपंथी भगवान नहीं मानते। भगवान कहाँ है, आप दिखा देंगे भगवान? तो लोग ने मेरे पास एक प्रश्न किया, क्या आप हवा को दिखा सकते हैं? लोग ने प्रश्न किया, भगवान को तो नहीं दिखा सकते, तो क्या आप हवा को दिखा सकते हैं? मैं कहा, यदि आपको हवा ना दिया जाए तो आप 3 मिनट भी जी नहीं सकते हैं। आप हवा को कैसे महसूस नहीं करते हैं? बिना आप परमात्मा के आप जीवन भर जी सकते हैं, जिसे आप बाहर परमात्मा मानते हैं, बाहर आकाश से देवी और देवता मानते हैं, उसके बल पर आप जीवन भर नहीं मानेंगे तो भी जी सकते हैं, तो भी जी सकते हैं। तो फिर कबीरपंथी क्या नहीं मानते हैं? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। जब मैं अपने जन्म स्थान में था, गुरुदेव जी के पास नहीं गया था, तब मैं भी सोचता था कि कबीरपंथी कुछ नहीं मानते हैं। मेरे पास भी यही प्रश्न था। लेकिन जब मैं इलाहाबाद गया, इलाहाबाद जाने के बाद वहां देखा और वहां संतों का व्यवहार देखा, गुरुदेव जी की पुस्तकें देखा, जो बुद्ध पर, कबीर पर, महावीर पर, ईसा पर, मोहम्मद पर, राम पर, कृष्ण पर, सारे महापुरुषों पर पुस्तकें लिखे और उनके विचारों को देखने पर लगा कि असली भगवान मानने वाला वास्तव में संत लोग ही होते हैं। असली भगवान मानने वाला वास्तव में संत लोग ही होते हैं। आवाज थोड़ा और खोलेंगे, सारे बिल्डिंग कट कर दीजिए, जितने माइक है सारे बिल्डिंग कट कर दीजिए। आप अपने जीवन के जिम्मेदार हैं। मुझे दुख होता है इस बात का कि आप जीवन में एक एक पाई जोड़ते हैं, एक एक पाई जोड़ते हैं और अपने जीवन को एक नए ओर ले जाने के अलावा आप अपने जीवन को गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। आपको अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए, अपने परिवार को शक्तिशाली बनाना चाहिए, अपने जीवन में विकास करना चाहिए, जन का धन का विकास करना चाहिए, लेकिन भ्रम में, मान्यता में, कर्मकांड में और पाखंड में आप अपनी जिंदगी को झोंक देते हैं। 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये दिन भर में आप कमाते हैं और जब आपके सामने समस्याएं आती है तो देवी और देवता के चक्कर में, पंडे और पुजारी के चक्कर में और हम जैसे धार्मिक लोगों के चक्कर में अपना सब कुछ नष्ट कर देते हैं। हम जैसे धार्मिक लोग ही कहते हैं, बड़े बड़े व्यास गद्दी में बैठ करके कहते हैं कि इतने यज्ञ कराओ, यहाँ तीर्थ करो, यहाँ हवन करो, यहाँ दान करो, यहाँ पुण्य होगा। क्यों आप इसके चक्कर में पड़ते हैं? दान की सार्थकता है कि उस दान से किसी का जीवन निर्वाह हो, उस दान की सार्थकता है। वह दान सार्थकता नहीं है। एक आदमी मंदिर के बाहर बैठा है और मंदिर के बाहर बैठा है कई दिनों से, भूखा प्यासा तड़प रहा है व्यक्ति। उधर से एक आदमी जाता है और एक आदमी जाता है, देखता है आदमी प्यासा है, उसको पानी पिला देता है, देखता है आदमी भूखा है, उसको भोजन करा देता है और वहीं से लौट आता है, सोचता है मैंने आज असली भगवान का दर्शन कर लिया, साक्षात भगवान वही है। हर रोज इस भारत देश में भगवान की पूजाएं चल रही है, मैं भगवान का विरोध नहीं करूंगा आपको, लेकिन जितने भगवान को मानने वाले हैं सब नास्तिक हैं। मैं इस बात का खुलासा भी कर दूंगा, इधर आप भगवान को मान रहे हैं, इधर अन्याय और अत्याचार पे जूझ रहे हैं, इधर भगवान को भी मान रहे हैं, इधर माँ बाप को रास्ते दिखा रहे हैं, कौन सा भगवान मान रहे हैं आप? यदि आप श्री राम के उपासक है, कृष्ण के उपासक है, बुद्ध के उपासक है, महावीर के उपासक है, कबीर के उपासक है, तो उसके हिसाब से जीवन भी बदलना चाहिए। जीवन में कितना परिवर्तन होता है, आपस में कलह करके जीवन को बर्बाद कर देते हैं, जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। कौन सी सफलता मिली जीवन में?
घर को घर बनाना चाहिए था तो घर को नरक का द्वार बना लिए। यही सिख कबीर पंथ में दिया जाता है। जीवन में बदलिए आप कुछ। और यहाँ सभी सत्संग में बैठे हुए लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ से जाने के बाद में आप दिमाग से कर्म कांड और पाखंड निकाल दीजिए, भूत प्रेत जादू टोना मान्यताएं दिल से निकाल दीजिए। जिनको ये बात समझ में आ जाती है उनका जीवन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। आप अपने जीवन में विकास करिए, अपने जीवन पर भरोसा रखिए, अपने बाहों बल पर भरोसा रखिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर वहिया बल आप निछाड़ बिरानी, आस जाके आंगर नदिया बहे सोकस मरे प्यास। ऐ लोगों, अपने बाहों बल पर भरोसा रखना, क्षण बिरानी आस बिराने, दूसरे के भरोसा आरसा भरोसा छोड़ दो। कब तक दूसरे के आशा भरोसे में, कब तक आप दूसरे के लंगूर बन के पीछे पीछे भटकते रहेंगे आप। अपने जीवन के नैया अपने आप पर संभालिए, अपने जीवन के नैया आप खुद को पार लगाना है। संत गुरुजन रास्ता बताते हैं, जिसके आंगन में ज्ञान की नदी बह रही हो वो आदमी ही प्यासा मरे तो आश्चर्य की बात है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पानी में रह करके कोई मछली प्यासी हो तो कितना बड़ा आश्चर्य है। आप हम सब भी की स्थिति ऐसी है। हमको प्रेम और आनंद का जिंदगी जीना चाहिए था, भूत प्रेत मान्यताएं से हट करके जीवन का निर्माण करना चाहिए था। हमने जीवन को गलत दिशा में लेकर के आज भी मान्यताएं पर मान्यताएं बांधते चले जा रहे हैं। कब तक मान्यताओं में अटके रहेंगे। सदगुरु कबीर की शिक्षा यही है। सदगुरु कबीर मान्यताओं से उठने की बात कहते हैं। आदमी को इतने अच्छा जीवन मिला है, जीवन का निर्माण करना चाहिए, जीवन पर भरोसा नहीं हो पाता है, अपने जीवन पर भरोसा नहीं होता है। आदमी 55 फीट का आदमी होता है, 6 फीट का आदमी होता है, उस 6 फीट को आदमी, 6 फीट के आदमी को अपने आप पर भरोसा नहीं होता है। किस पर भरोसा होता है? भरोसा होता है एक छोटी सी ताबीज अपने गले पर बांध ले, उस पर भरोसा होता है, अपने जीवन पर भरोसा नहीं है। अपने पैरों में छोटा सा धागा बांध लेता है, उस पर भरोसा होता है, अपने जीवन पर भरोसा नहीं है। जब आदमी मकान बनाता है तो वहां हंडी लटका देता है, उस पर भरोसा होता है, उसकी इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं होता है। जब आदमी गाड़ी लेता है तो 40-40, 50-50 लाख की गाड़ियां लेता है, उसकी इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं होता है। उनको भरोसा होता है एक लाल चुनरी पर भरोसा होता है। क्यों मान्यताओं पर अटके हैं आप? पूजा और पाठ के बल पर जीवन को नहीं बदला जा सकता है, ये बात आप दिमाग में आप अपने बिठा लीजिए। पूजा और पाठ के बल पर यदि सब कुछ बदलता तो जितने हमारे भारत देश में हैं सारे के सारे पुजारी लोग मुक्त हो गए होते। लेकिन हमारे भारत देश के 90% पुजारी हैं जो गांजा बीड़ी सिगरेट के बिना नहीं रह सकते हैं। कौन से पुजारी हैं? क्या मुक्ति मिल गई उनको? भगवान मानना आपकी श्रद्धा है, एक प्रतीक है, लेकिन भगवान मानने से मात्र से मुक्ति होती तो मैं कहता हूँ बीड़ी और सिगरेट की मुक्ति नहीं हो सकी तो क्या जीवन की मुक्ति हो जाएगी? जीवन में मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जब तक आप अपने घर के माहौल को सही दिशा की ओर नहीं ले जाते हैं, जब तक आप सदगुरु कबीर के विचारों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपको आत्म कल्याण नहीं हो सकता है, न ही आप कल्याण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जीवन बदलता ऐसे नहीं है, जीवन कुछ कर लो बदल जाए। जीवन बदलता है बहुत मेहनत से, जीवन बदलता है अंतःकरण की पवित्रता से, जीवन बदलता है वैचारिक क्रांति लाने से। हम किसमें जीवन को बदलना चाहते हैं? क्या गाड़ी को बदलने से जीवन बदल जाएगा? मकान बदलने से जीवन बदल जाएगा? कपड़े बदलने से जीवन बदल जाएगा? कुछ गहने पहन लेने से जीवन बदल जाएगा कि मोबाइल रखने से जीवन बदल जाएगा? ना, इससे जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलता है आपके विचार बदलते हैं तो जीवन बदलता है। आपका विचार बदला, जीवन बदल गया। आपका विचार बदला, आपके जीवन में एक लहर पैदा हो गया। आप पहले सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट तंबाकू खाते थे, गुटखा खाते थे, आपके अंदर एक नया विचार प्रेरित हुआ, अब मुझे चीज नहीं सेवन करना है, आप छोड़ देते हैं।
घर में लड़ाइयाँ होती थी, अब लड़ाइयाँ नहीं होती है। विचार बदला, जीवन बदल गया। आप क्या बदलते हैं? सब कुछ ढांचा बदल लिए, जीवन नहीं बदला। घर को मंदिर बना लिए, घर में कोने में मंदिर बिठा करके रख लिए, जीवन नहीं बदला। उससे जीवन नहीं बदलता है मेरे भाइयों। जीवन बदलता है जब तक आंतरिक विचार परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक जीवन आप नहीं बदल सकते। देवी देवता मानने वालों से निवेदन करता हूं कि कितने भगवान हैं, कितने देवी देवता हैं, जो आपके देवी देवता बीड़ी सिगरेट पीते हैं, आपके देवी देवता तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, अंडा मांस मछली खाते हैं, आपके कितने देवी देवता हैं? आप लोग नास्तिक नहीं है ना, आस्तिक है। आप लोग आस्तिक है, भगवान को मानने वाले हैं। कितने भगवान हैं आपके जो शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, मांस अंडा मछली खाते हैं? आपके भगवान तो नहीं खाते, आप क्यों खाते हैं? आदमी का मन इतना हैवानियत हो चुका है, हिंदुओं में चलता है कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम गाय नहीं खाएंगे लेकिन सुअर खाएंगे। हिंदू कहते हैं, मुसलमान कहते हैं हम सुअर नहीं खाएंगे लेकिन गाय खाएंगे, लेकिन ईसाई कहते हैं हम दोनों हजम कर जाएंगे। इंसान है कि क्या है, आप जानेंगे क्या है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सभी से मैं बहुत आत्म स्थिति के बात नहीं कर रहा हूँ, सभी से बस एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने परिवार को परिवार बना लो, घर को घर बना लो, घर को स्वर्ग और आनंद की जिंदगी जियो। लड़ करके झगड़ करके जिंदगी को नरक मत बनाओ। आज जीवन मिला है, सुनहरा अवसर मिला है, सुनहरे विचार मिले हैं, मन अच्छा है, आपके परिवार के सदस्य अच्छे हैं, एक ऐसे विचारों से ओतप्रोत हो रहे हैं जहाँ कर्म कांड और पाखंड नहीं है। सिर्फ आपके जीवन के विचारों को बदलना है आपको, और विचार बदलते हैं आपका जीवन बदल जाता है। आज जब तक एक दूसरे से लड़ाई करते रहेंगे, वह विरोध करते रहेंगे, तब तक आपको जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। आप अपने घर को स्वर्ग बनाइए, माता पिता को सम्मान दीजिए, बच्चे को प्यार दीजिए, इसी से घर स्वर्ग बनता है। हिंदू परंपरा में एक दीपावली का त्योहार है, जो कि दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, होली का त्योहार मनाया जाता है, ऐसे कुछ त्योहार होते हैं। आज मुसलमान भाइयों का ईद का त्योहार है, लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं नित अमावस नित संक्रांत नित नित न गो बैठे पान पे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं नित अमावस्या है, नित संक्रांति है, आप रोज मनाइए। जब आपके मन में एक अच्छे विचार आ जाते हैं, आपके मन में एक तरंगायित विचार होते हैं, आपके मन में किसी के लिए शिकायत नहीं है, सब अपने लगते हैं, तो क्या आपके घर में रोज त्योहार नहीं है? जिस घर में, जिस परिवार में भाई और भाई आपस में मिलते हैं, भाई और भाई देरान और जेठान आपस में मिलते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, मानो उस घर में रोज रोज होली का त्योहार है। दोपहर में एक साथ भोजन करते हो तो मानो रोज होली का त्योहार है। और जिस घर में रात्रि के समय सभी ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से, खलिहान से आने के बाद, ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से, खलिहान से आने के बाद में सभी के सभी एक दीप प्रज्वलित कर लेते हो, और माता पिता की आरती उतार लिया जाता हो, महापुरुषों के विचार सुन लिया जाते हो, और सभी एक साथ भोजन और भजन करते हो, मानो उस घर में रोज दीपावली का त्योहार है। आप साल में एक बार ही मनाते हैं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप रोज मनाएं। जिस घर में परिवार में आपस में माँ बाप को सम्मान दिया जाता है, जिस घर में आपस में बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार दिया जाता है, सही दिशा में ले जाया जाता है, हर घर के बुजुर्ग अपने आप में अपने सदस्यों के साथ रह करके खुशनुमा जिंदगी महसूस करते हैं, मानो आपका घर परिवार स्वर्ग है। नहीं तो आप लड़ते और झगड़ते जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कबीर पंथ का शिक्षा यही है, सदगुरु कबीर का यही एक संदेश है कि हम सही दिशा में जाएं और सही दिशा में अपने जीवन को संचालित करें। हम गलत दिशा में जाते हैं, एक एक रुपये, दो दो चार चार रुपये कमाते हैं और भ्रम और मान्यता में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जब लोग, कुछ लोग जल चढ़ाने जाते हैं तो कई किलोमीटर पैदल जाते हैं, और कुछ लोग जब भगवान की आराधना के लिए जाते हैं तो एक बार लेटते हैं, वहाँ एक गिट्टी रखते हैं, फिर लेटते हैं, फिर आगे गिट्टी रखते हैं। क्यों? अपने जीवन को तपाने से जीवन बदल जाएगा? भगवान बुद्ध ने भी तपाया था जीवन को। हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है,
इस धर्म प्रधान देश भगवान बुद्ध की वजह से ही इस भारत देश को धर्म प्रधान देश कहा गया। और वही भगवान बुद्ध ने खूब तपस्या किया, तपस्या करने पर आत्म बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान बुद्ध ने तपस्या करना छोड़ दिया। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और मध्यम मार्ग अपनाया उन्होंने अंत में समझा कि मन से ही सारा काम शुरू होता है और शुरुआत किया मनोपक्का मन से उनकी बातें शुरू होती है, मन से ही सब कुछ होता है, मन की क्रिया कराए है। जब तक हम मन को नहीं समझेंगे तब तक जीवन को नहीं समझ पाएंगे। मन क्या चीज है? मन का काम है कभी भूत के बातों को सोचना, कभी भविष्य के बातों को सोचना, ये मन का काम है। मन क्या चीज है? मन जैसे घड़ी होता है, घड़ी में पेंडुलम लगा रहता है, आगे पीछे दाएं बाएं होता रहता है, वैसे ही मन का काम है। कभी भूत की बातों को सोचता है, कभी भविष्य की बातों को सोचता है, ये मन का काम है। लेकिन जिस दिन हम मन को स्थिर कर लेते हैं, मन को अपने आप में संयमित कर लेते हैं, उस दिन मन हमारा हो जाता है, मन हमारा हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। हम क्या कर रहे हैं? हम अन्य चीजों को सींच रहे हैं। हम एक पेड़ लगा लिए और पेड़ पौधे के पत्ते में फूल में तने में पानी डाल रहे हैं, देवी देवता को मना रहे हैं, भगवान भगवती को मना रहे हैं, मन को नहीं समझा रहे हैं। केंद्र में मन है, केंद्र में मन है और मन को नहीं संचालित कर पाए तो सारा संचालन बेकार चला जाएगा। इतना जान लीजिए मन अपने आप में सर्वशक्तिमान नहीं है, मन को हम संचालित करते हैं। जैसे पेड़ होती है, पेड़ के छाया होती है, छाया को हटाना है तो पेड़ हटा दो, छाया हट जाती है। वैसे ही हम है तब हमारा मन है, हम जिधर ले जाते हैं मन उधर जाता है। और जिस दिन मन को हम गलत दिशा देना शुरू कर देते हैं फिर मन हमको परेशान करना शुरू कर देता है। तो करना क्या है? मन को सही दिशा में ले जाना है। मन जिस दिन आपका सही दिशा में चला जाएगा उस दिन आप भ्रम और मान्यताएं से ऊपर उठ जाएंगे। मैं कह रहा था कि चित्र से चरित्र तक पहुंचना है आपको। जिस भगवान की आप पूजा करते हैं क्या आपके भगवान वैसे हैं जैसे आप हैं? आप अपने को लौट करके देखेंगे तो लगेगा नहीं मैं तो बहुत पीछे चला गया हूँ, बहुत पीछे चला गया हूँ। आप अपने जीवन का निर्माता खुद है, आप अपने जीवन का निर्माता खुद है। चाहे अपना जीवन का निर्माण कर सकते हैं, चाहे अपने जीवन को पतन की ओर ले जा सकते हैं। आप क्यों गलत ओर चले जाते हैं? अच्छे अच्छे भगत लोगों को देखा गया है कि भक्ति तो कर रहे हैं, साधना तो कर रहे हैं, भक्त है, भगवान के भक्त है, कबीरपंथी भी है, राधा स्वामी भी है, सत्संगी वाले भी है, निरंकारी वाले भी है, लेकिन गलत दुर्व्यसन नहीं छोड़ता है। कौन सा भक्ति करते हैं आप? जीवन नहीं बदलेगा इससे। भक्ति करते करते 30 साल 40 साल बदल गई, भक्ति करते करते साधना करते करते लेकिन जीवन में एक बीड़ी और सिगरेट भी नहीं छोड़ा तो कौन सी भक्ति है? आत्मीय बंधुओं, ये बीड़ी सिगरेट छोड़ना सिर्फ आपके लिए नहीं। आप सोचिए इतना अच्छा जीवन है, इतना शुद्ध दांत दिखता है, हीरे की तरह दांत चमकता है, उसमें गंदे और सड़ीले चीजों को डाल करके। मैं आज ही सुन रहा था, ये कहां की घटना है याद नहीं आ रहा था, एक शहर में मलबा इकट्ठा हुआ, बायो पूरा मलबा इकट्ठा हुआ, हैदराबाद की घटना है। और हैदराबाद में मलबा इकट्ठा हुआ, उसको एक स्टूडेंट ने उस मलबा को उसमें एक केमिकल डाला, उसका गंध उड़ा दिया, उस केमिकल को सुखा दिया। और सुखाने के बाद में उस केमिकल को कहां लाया गया? उस केमिकल को पैकिंग करके स्पेशल कानपुर के जहां गुटखा मसाले की फैक्ट्री बनती है वहां उसको सप्लाई किया गया। और गुटके में उस बायो को, बायो मतलब गंदगी पदार्थ जो टट्टी पेशाब है, उसको सुखाने के बाद में केमिकल डालने के बाद में उसको कलर दे दिया गया, सफेद कलर हो गया। उसको गुटखा के पाउच में डाल करके आपके अंदर डलवाया जा रहा है। इस रिसर्च में आया है, हकीकत घटना है। आप सोचिए क्या खाते हैं आप सोचिए क्या खाते हैं आप? जब गुटखा बनता है, गुड़ाखू बनता है, गुड़ाखू की आदत बहुत से भाइयों में भी होती है, बहुत से बहनों में होती है। गुड़ाखू को बनाने से पहले उसको सड़ाया जाता है और इतना सड़ाया जाता है, सड़ाने के बाद मिक्स किया जाता है तब गुड़ाखू बनता है। बनते देखेंगे तो आप गुटखा नहीं, गुड़ाखू नहीं घस पाएंगे।
शराब बनाया जाता है तो शराब में इतना घसड़ जाने के बाद में उसमें गंध आती है, इतनी गंध आती है, इतनी बदबू, वहां पर आप नहीं रह सकते, उसको आप पीते हैं। शराब, शराब का अर्थ ही होता है किसी चीज का आव, आव मतलब वाष्प के रूप में होता है, वो है। आप क्या चीज पीते हैं? आप शराब, शराब की बात आती है तो मैं लोगों से कहा करता हूँ, आत्मीय बंधु यहाँ बैठे बहुत से लोग शराब पीते हैं, मुझे पता है, यहाँ यहाँ तक मेरी बैठा हूँ, यहाँ तक मुझे उसकी सेंट आ चुकी है, इसलिए याद आ गई, यहाँ आए उसी लोगों में से शराब पिए हैं, यहाँ बैठे हैं शराब पी करके बैठे हैं, मैं जान रहा हूँ और व्यक्ति को भी मैं पहचान सकता हूँ। आप क्यों अपने जिंदगी को बर्बाद करते हैं? मैं भी कुछ देर पहले बाथरूम तरफ गया, बाथरूम में गया तो वहां से बहुत गंध आ रही थी, सिगरेट की गंध आ रही थी। शर्म करो, को जीवन को बदलो, क्यों जिंदगी को नरक ओर ले जा रहे हो, क्यों अपने जिंदगी को तबाह करने में लगे हैं आप? और आप अपनी जिंदगी को तबाह नहीं करते हैं, आप अपने अपने आने वाले पीढ़ी की जिंदगी को भी तबाह कर देते हैं। शराब पीने वाले शराब ही नहीं पीते हैं, मैं लोगों से कहा करता हूँ, जब जब आप शराब पीते हैं तो आपके जो आने वाले पीढ़ी है, आने वाले होनहार बच्चे हैं, जो सोचते हैं मैं आईपीएस बनूं, आईएएस अफसर बनूं, मैं आईटी करूं, नेट की तैयारी करूं, बहुत सारे उनके संकल्प होते हैं, बहुत सारे उड़ान भरने की जो क्षमता होती है, जब जब आप शराब पी करके आते हैं तब तक उनके जो उड़ान भरने की क्षमता होती है वो मिट्टी पलीद हो जाता है, तब तक मिट्टी पलीद हो जाता है। जब जब आप घर में शराब पी करके प्रवेश करते हैं तो सोचते हैं ऐसे शराबियों के बीच में मैं कैसे उत्थान और विकास करूंगा, क्या पैसा से विकास हो जाएगा? आपको उसको सहारा देना चाहिए, आपको उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप गंदी हरकतों से बाज नहीं आती है और आप शराब भी नहीं छोड़ पाते हैं। मैं सबके लिए कटु वचन कह रहा हूँ, क्षमा चाह रहा हूँ, यहाँ बैठे सभी भक्त जन है, आपके मुंह दांत रंगे नहीं होना चाहिए, आप भक्त हैं, सज्जन हैं, प्रेमी हैं, आप सदगुरु देव का विचार सुनते हैं, कबीर साहब के परंपरा से जुड़े हैं, अन्य परंपरा से जुड़े हैं, भगवान को मानते हैं, देवी को मानते हैं, देवता को मानते हैं, आपकी पहचान होनी चाहिए, आपके चेहरे पर एक नए नूर होना चाहिए, आपके दांतों में चमक होनी चाहिए, आपके चलने का अंदाज, खाने का अंदाज, पीने का अंदाज, बोलने का अंदाज कुछ और ही होना चाहिए। जीवन तो माया आंसू जैसे जी रहे हैं, जीवन में कोई रौनकता नहीं है, जीवन में कोई चमक नहीं है, चेहरे में कोई चमक नहीं है, मन में प्रसन्नता नहीं है, चेहरे में प्रसन्नता नहीं है, अपने ही घर के लोग दुश्मन बने हुए हैं, अपने ही घर के लोग पराये बने हुए हैं, कौन सा जीवन का विकास करेंगे आप? मैं आपको अच्छी बात नहीं सुना रहा हूँ, आपको मुझे पता है, आप उसी पर एक प्रहार दे रहा हूँ, मैं आपसे यही मांगना चाहता हूँ। मैं आया था उसी दिन यहाँ, कल मैं आया, कुछ लोग बैठे थे, मैं कहा आप लोगों से मैं दक्षिणा लेना चाहता हूँ, सभी लोग आश्चर्य हो गए, बाबा क्या मांग देंगे, पता नहीं कौन सी दक्षिणा मांग देंगे। मैं कहा आपसे वो चीज नहीं मांगूंगा जिसको देने के बाद में आपका कुछ कम हो जाए, मैं वो चीज मांगूंगा जिसको आप देंगे तो आप धनी आदमी बन जाएंगे, आपका लोग सम्मान करेंगे, आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे, आपके माता पिता आपका सम्मान करेंगे, आपके परिवार और पड़ोस के लोग सम्मान करेंगे। फिर मैं बताया आपके जो दांत रंगे रंगे है ना, जिससे रंगता है वो चीज मुझे चढ़ा देना, बस वही दान मुझे चाहिए। तो फिर मुस्कुराना शुरू कर दिए, उनके प्राण में लगा होगा हाँ ठीक कोई बात नहीं, आप क्या दान देंगे? शराब मत पीना। शराब पीने से होता क्या है, जब आप शराब पीते हैं तो शराब मस्तिष्क में जाकर के अटैक करता है, और मस्तिष्क में जाकर के अटैक करता है जो आपकी जो एक चैन की कड़ी होती है, आप सिस्टम से जीते रहते हैं उसको वो बदल देता है, सिस्टम को तहस नहस कर देता है, यहाँ के सिस्टम को। फिर आप पीने के बाद में कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आत्मा और परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शराब पीना छोड़ दो, गुटका बीड़ी सिगरेट तंबाकू छोड़ दो। अब कुछ चर्चा मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा, क्योंकि शेष आज एक ही दिन है, आज एक ही दिन है, कल कुछ समय रहेगा, उसके बाद में हम यहां से प्रस्थान कर जाएंगे, आप अपने जगह पर, हम अपने जगह पर, हमसे जो कटु शब्द लगेगा उसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे, लेकिन आपको वही चीज कहेंगे जिससे आपका कल्याण हो। कुछ चर्चा आप लोगों से मैं करना चाहूंगा,
आप एक घर के संचालक है, घर के व्यवस्थापक है, तो आपको घर को कैसे संचालित करना है कि आने वाले पीढ़ी को जीवन का निर्माण कैसे करना है सीख मिले, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और मेरे अधिकतम विचार इसी पर होता है, अधिकतम विचार इसी पर होता है कि बच्चों को संस्कारित कैसे किया जाए। और बच्चे को संस्कारित करना मतलब आपको टीचर बनना, और टीचर बनने के मतलब होता है कि आप पहले संस्कारवान हो तब बच्चे आपके संस्कारी होंगे। किसी ने प्रश्न किया है बच्चों को संस्कार कब से देना चाहिए, उत्तरदाता ने कहा है बच्चे के जन्म होने से 20 साल पहले बच्चे को संस्कार देना शुरू कर देना चाहिए। प्रश्न है बच्चे जन्म ही नहीं हुआ तो संस्कार किसको, जिस बच्चे जैसे बच्चे आप चाहते हैं आने वाले पीढ़ी के कोख में वैसे बच्चे होंगे, तो उस पीढ़ी को वैसे संस्कार देना शुरू कर दीजिए। तो करते क्या है आप, वो चीज नहीं होता है। चलिए छोड़िए, आप 20 साल पहले नहीं दे सकते तो आप सभी से निवेदन करता हूँ कम से कम आपके घर में जिस दिन बहू आ जाती है, आपके घर में दामाद, आपके घर में बहू और बेटा होते हैं तब से जीवन बदलना शुरू कर दीजिए। तब भी नहीं करते हैं, चलो छोड़िए, कम से कम जिस दिन आपके घर के बहू में एक बच्चा कोख में होता है तब तो बदलना शुरू कर दीजिए। तब भी नहीं तो फिर जिंदगी को बर्बाद करो, आप बदलिए। सिर्फ एक संस्कार की बातों में सारी चीज आ जाती है, जो चाहे कबीरपंथी हो, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे गायत्री वाले हो, चाहे किसी भी मत और पंथ और संप्रदाय के हो, संस्कार सभी को चाहिए। जैसे धर्म सभी को चाहिए वैसे संस्कार सभी को चाहिए। धर्म क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे, पूजा किसकी करे किसकी पूजा ना करे, भजन किसकी करे किसकी भजन किसका ना करे, इस पर भी चर्चा करेंगे। कोई कहते हैं राम का भजन करो, कोई कहते हैं रहीम का भजन करो, कोई कहते हैं कृष्ण का भजन करो, कोई कहते हैं कबीर का भजन करो, कोई कहते हैं ईसा का भजन करो, कोई कहते हैं पीपल पेड़ पर जड़ चढ़ाओ, कोई कहते हैं नीम पर जड़ चढ़ाओ, कोई कहते हैं बरगद पर जड़ चढ़ाओ, कोई कहते हैं इस भगवान को मानो, कोई कहते हैं इस भगवान को मानो। माने तो किसको माने, ना माने तो किसको माने, छोड़े तो किसको छोड़े, ना छोड़े तो किसको छोड़े। सारे प्रश्नों का उत्तर मैं बताऊं, धर्म वो है जिसको सब मानता हो। धर्म वह नहीं है जिसको मैं मानूं आप ना मानो, वह धर्म नहीं है। यहाँ बैठे कबीरपंथी लोग हैं तो यहाँ के कबीरपंथी लोग धार्मिक हैं हमारे हिसाब से, एक अन्य जगह जाएंगे वहां कबीरपंथी नहीं तो क्या वो लोग धार्मिक हैं, फिर धर्म की परिभाषा गलत हो गई। धर्म वह है जिसे सबके सब माने, धर्म वह नहीं है जिसको एक माने और एक ना माने, वह धर्म नहीं है। जिसको दुनिया के हर कोने के आदमी माने वह धर्म है। और धर्म यही सिखलाता है, धर्म प्रेम सिखलाता है, धैर्य बड़ों को सम्मान सिखलाता है, धर्म आदर और सत्कार सिखलाता है, यही धर्म की परिभाषा है, जिसको सारे के सारे लोग स्वीकार कर सके। प्रश्न ये होता है कि हम धार्मिक है, धार्मिक की पहचान क्या है, धार्मिक की पहचान क्या है, गंगा जाना, तीर्थ यात्रा करना, पूजा करना, पाठ करना, श्वेत वस्त्र धारण कर लेना, घर छोड़ देना, जटाजूट बढ़ा लेना, सन्यासी कलर का कपड़ा पहन लेना, श्वेत वस्त्र धारण कर लेना, क्या ये धार्मिक की पहचान है? नहीं, ये धार्मिक की पहचान नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। इस दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो व्यक्ति, जिसके पास में दया का भाव है वह आदमी धार्मिक व्यक्ति है। चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी संप्रदाय के, संप्रदाय है धर्म नहीं है। आप कभी मत मानिएगा कि हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू परंपरा में धर्म है तो धार्मिक लोग अच्छे होना चाहिए। इधर शिव मानने वाले राम को नहीं मान सकते, राम मानने वाले कृष्ण को नहीं मान सकते, दोनों में लड़ाइयां चल रही है, कौन से धर्म बड़ा है। कबीर मानने वाले राधा स्वामी को नहीं मान सकते, राधा स्वामी वाले गायत्री को नहीं मान सकते, किस धर्म को बड़े कहेंगे। सतगुरु कबीर ने इसीलिए कहा कि वह बात सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी, सारे लोगों के बातों को सुनना लेकिन निबेरा अपने हिसाब से करना। भजन करे तो करे, किसका करे, आदमी के दिमाग में दुविधाएं। आज धर्म को जितना धार्मिकों ने बर्बाद किया है
उतना अन्य लोगों ने धर्म को बर्बाद नहीं किया है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि धर्म के नाम पर कर्म कांड और पाखंड मत करिए, धर्म के नाम पर अन्याय और अत्याचार मत करिए, धर्म के नाम पर अलौकिक मत करिए। अलौकिक और चमत्कार से धर्म की प्रसिद्धि नहीं होती है, किसी महापुरुष की उन्नति नहीं होती है। किसी महापुरुष को नीचे स्तर पर ले जाना है तो एक तरीका यही है कि इसको अलौकिक और चमत्कारिक बता दो, और यही काम बड़े बड़े धार्मिक लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े धार्मिक लोग अपने अपने गुरु को, अपने अपने इष्ट को महापुरुष बता रहे हैं और अलौकिक और चमत्कार बता रहे हैं। आत्मीय बंधुओं, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि सद्गुरु कबीर साहब के परंपरा में जुड़ करके अन्याय और अत्याचार, कर्मकांड और पाखंड नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग मानते हैं कि कबीर साहब आकाश मार्ग से आए हैं। एक एक छोटा सा बच्चा, 5 साल से 7 साल का बच्चा भी बता सकता है कि बिना माँ बाप के कोई पैदा नहीं होते, तो कबीर साहब कैसे आकाश मार्ग से आ जाएंगे। कुछ लोग बैठे कह रहे होंगे क्या बोल रहे हैं, मैं वही बोलूंगा जो आपके दिल दिमाग पर सही बैठे। मैं कर्मकांड के विरोधी हूँ, मैं वही बोलना चाहूंगा जो वैज्ञानिक के तर्क पर सही बैठे। इस दुनिया में कोई भी महापुरुष आकाश मार्ग से नहीं आते हैं। इस दुनिया में किसी में भी ताकत नहीं है कि कोई बिना माँ बाप के बच्चा पैदा कर सकते हैं, किसी में ताकत नहीं है। मंदिर और मस्जिद की उपासना सिर्फ मन की कुछ देर के लिए शांति के लिए हो सकती है, बाकी जीवन में शांति के लिए आप चाहें कि पूजा और उपासना के बल पर जीवन में शांति मिल जाए तो नहीं मिल सकता है। पूजा और उपासना के बल पर शांति कैसे मिल जाएगी, मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं। क्या शांति आप यहां बैठे हैं और शांति आपसे अलग है? आप यहां बैठे हैं, प्रेम आपसे अलग है? आप यहां बैठे हैं, आपसे आत्मा अलग है? आप यहां बैठे हैं, आपसे परमात्मा अलग है? जो पूजा और पाठ के बल पर, यज्ञ और हवन के बल पर आप पे ला करके कोई फीट कर दे, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ बैठे हैं तो आपके साथ शांति है, आप यहाँ बैठे हैं तो आपके साथ प्रेम है। आपसे हट करके प्रेम नहीं है, आपसे हट करके शांति नहीं है, आपके अंदर है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जा, तेरा साई तेरे में ही है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही ढूंढना होगा, हम बाहर न ढूंढे। मैं अपने विषय पर आऊं कि अब आप बच्चे को कैसे संस्कार देते हैं, जब आपको खुद का आत्मा ज्ञान नहीं होगा, खुद को आप अपने जीवन को गलत दिशा की ओर ले जाएंगे तो आप बच्चे को सही संस्कारी नहीं बना सकते हैं। बच्चे को संस्कारी बनाने के लिए आपको खुद संस्कारवान पहले होना पड़ेगा, आपको खुद संस्कारवान होना पड़ेगा। आपके घर में सभ्यता हो, आपके घर में बड़ों का सम्मान हो, आपके घर में देवान जेठान सास बहु में ऐसा व्यवहार हो कि वास्तव में आने वाली पीढ़ी वो सीख सके, नहीं ये होता उल्टा है। देवान और जेठान है, आपस में पड़ोसी है, लड़ाइयाँ चल रही है। कभी कभी माताओं में जब लड़ाइयाँ होती है तो ऐसे शब्द चुन करके भत्ते शब्द का उपयोग करते हैं। वहां पर कोई पुरुष खड़ा हो तो उनको कान आंख छिपा करके पीछे खिसकना पड़ जाए, ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जब माताएं आपस में लड़ती है। तो क्या आप बच्चे को अच्छा संस्कार दे पाएंगे? मात्र किसी की कोख से बच्चा पैदा हो जाने से कोई माँ नहीं हो जाती और कोई पिता नहीं हो जाते, और कोई किसी घर के कोई दादा नहीं बन जाता, कोई दादी नहीं बन जाती है मात्र किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होने से। माँ बनने के लिए मातृत्व हृदय चाहिए, पिता बनने के लिए पितृत्व हृदय चाहिए, दादा बनने के लिए वैसा विशाल हृदय चाहिए। आप घर को ऐसे सजा करके रखो, आपके घर के लोग आपका सम्मान करें, आपके घर के लोग आपका अदब और मर्यादा करें। आपका व्यक्तित्व तो इतना गंभीर होना चाहिए, आपका आचरण इतना वजनदार होना चाहिए कि आपके परिवार के लोग आपका सम्मान कर सके। आप हमारे अपने ही आचरण में छिछलापन होता है, जब बोलते हैं तो कर कर की आवाज करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं। हमारे जब बच्चे आकर प्रणाम करते हैं तो आपको खुश रहो कि आशीर्वाद देना चाहिए, आपका तन मन और वचन पवित्र होना चाहिए। उस समय तो आप इधर से आपस में लड़ाइयां चल रही पति पत्नी की, इधर से बच्चों को आशीर्वाद भी देते चले जा रहे हैं, कौन सा आशीर्वाद दोगे?
इधर से गुटखा भी खाए जा रहे हैं, तंबाकू भी खाए जा रहे हैं, गाल रंगा है, मुंह लाल लाल दिख रहा है, इधर से प्रणाम कर रहा है बच्चा, इधर से सिगरेट भी पी रहा है पिता, और आशीर्वाद भी दे रहा है। कौन सा आशीर्वाद देंगे, थोड़ा शर्म करिए, अपने बच्चे के लिए जिए आप लोग, अपने बच्चे के लिए जिए आप, अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जाइए। क्यों आप अपने जीवन को जैसा है तैसे जिए, आपका हक नहीं कि आप अपने बच्चे को गलत दिशा की ओर ले जाए। आपका जिम्मेदारी होती है कि आप बच्चे के जीवन का निर्माण करें। आपके बच्चे आपकी बुढ़ापे की लाठी है, आपके बच्चे आपकी बुढ़ापे की लाठी है, आपके बच्चे आपके भविष्य में काम आएंगे। यदि आपने बच्चों को सही संस्कार आज नहीं दिया तो फिर भविष्य में आपका जीवन सही दिशा में नहीं जा सकता है, सही दिशा में नहीं जा सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आपके घर में माता पिता में ऐसा व्यवहार होना चाहिए, पति पत्नी में जब आपस में रहे तो पति पत्नी में ऐसा व्यवहार हो कि आपके बच्चे आपका सम्मान करें। घर में सास बहू में ऐसा व्यवहार हो कि आपके बच्चे घर में देखे तो लगे, महसूस हो वास्तव में हमारी माँ हमारी दादी आपस में ऐसा प्रेम से रहती है, कभी लड़ती नहीं, कभी झगड़ती नहीं, आनंद से जिंदगी जीती है, तो क्या आपके घर के बच्चे वास्तव में संस्कारी नहीं होंगे? आप कैसे संस्कार देते हैं बच्चों को? आप रिक्शे चलाते हैं, आप रिक्शे चलाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, बोरा ढोते हैं, किसी के ऑफिस में काम करते हैं, किसी के और कहीं काम करते हैं, और मेहनत करके दो दो चार चार रुपया आप जोड़ते हैं, उस दो दो चार चार रुपये जोड़ करके आप बच्चे को अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। और ये आपका चंडीगढ़ एक ऐसा ऐसा प्रांत ऐसा जगह है जहाँ स्कूलों के तो बहुत सारे इतने स्कूल है, अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ होती है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से बच्चे नहीं बनते हैं अच्छे, सिर्फ पढ़ाई से बच्चे अच्छे नहीं बनते हैं। एक बात दिमाग में याद रखिए, पढ़ाई से बच्चे को डिग्रियां मिल सकती है, पढ़ाई से बच्चे अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं, पढ़ाई से बच्चे IAS अफसर बन सकते हैं, IPS अफसर बन सकते हैं, नेट की तैयारी करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई से बच्चा अच्छा इंसान बन जाए ये चीज आप दिमाग में भूल जाइए। अच्छा इंसान आपके घर के व्यवहार से बनते हैं, अच्छा इंसान आपके व्यवहार से बनते हैं। यदि आपने घर में माता पिता को सम्मान करना सिखाया है तो बच्चे वास्तव में सम्माननीय होंगे, सम्माननीय होंगे। आत्मीय बंधुओं, आप अपने बच्चों के लिए जीना शुरू कर दीजिए, जीना शुरू कर दीजिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी से, माताओं से, भाइयों से, देवियों से, सभी से निवेदन करता हूँ, कम से कम मुझे कुछ दान करके जाना, जाना तो जितने लोग बीड़ी सिगरेट भुक्का तंबाकू करते पीते खाते हैं तो यही चढ़ा देना, मैं ले जा करके गंगा में स्नान कर दूंगा। आप इस चीज को मत धोते रहिए अपने जीवन में, जब तक इस चीज को आप ढोएंगे आपको अपमान मिलेगा, जब तक इस चीज को ढोएंगे आपके बच्चे आपको सम्मान नहीं देंगे, आपके माँ बाप आपको सम्मान नहीं देंगे। आप महसूस करते हैं जब शराब पी करके जाते हैं तो आपके पत्नी आपके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, जब शराब पी करके जाते हैं तो आपके माँ बाप आपके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, जब आप गुटखा खा करके जाते हैं तो आपके बच्चे आपके करीब नहीं बैठना चाहते हैं, बच्चे आपके बोल देते हैं पापा आपका मुंह बदबू दे रहा है, तब भी तो समझ में आना चाहिए, आपके बच्चे ही आपको कह रहे हैं पापा आपको आपके मुंह से बदबू आ रही है, आपके मुंह से सुगंधी आना चाहिए, आपके करीब बैठना चाहिए, बच्चे आपके दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों, ऐसा कौन सा बीज बोया है आपने कि आपके बच्चे ही आपसे दूर होते चले जा रहे हैं? आपके बच्चे आपके जीवन आपका है, आप कैसे जीते हैं जीवन को आपके ऊपर है। मैंने जीवन का निर्माण बताया, जीवन आंतरिक विचार बदलते हैं, जीवन बदलता है, समय और शक्ति सबको वही मिला है, आप कैसे जीते हैं आपके ऊपर है, आप कैसे जीते हैं आपके ऊपर है, समय और शक्ति उतना ही है। गीत लिखो या गाली सब तुम्हारे हाथों में, किसी गायक ने कहा है। आप अपने जीवन में गीत लिखना चाहते हैं कि गाली सब आपके हाथों में है? आप उतना ही समय और शक्ति में किसी को किसी की प्रशंसा कर सकते हैं, उतने ही समय में, उतने ही समय में आप किसी की निंदा कर सकते हैं, उतना ही समय में किसी की प्रशंसा करते हैं, परिणाम आता है अलग,
और उतना ही समय में किसी की निंदा और चुगली करते हैं, परिणाम एकदम बदल जाता है, एकदम विपरीत परिणाम आता है और तहस नहस कर देता है जिंदगी को। उतना ही समय में आप किसी की सहायता कर सकते हैं और उतना ही समय में आप किसी को चाटा भी मार सकते हैं। परिणाम क्या आएगा? समय उतना ही लगा है, शक्ति उतना ही लगा है। आप क्या करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं? समय और शक्ति सबको बराबर मिला है। समय और शक्ति की बात आती है तो संक्षिप्त में बताऊं, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अद्वितीय शक्ति नहीं मिलता है, ये अपने अपने कर्मों का फल है। कुछ लोग भगवान के भरोसे बैठते हैं तब कहते हैं वो ये वही जो राम रची राखा। जब भगवान के भरोसे बैठते हैं तो वही कहते हैं, लेकिन जब गोस्वामी जी एकदम कबीरी भाषा बोलते हैं और कबीर की तरह बोलना शुरू करते हैं तब क्या कहते हैं? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जब गोस्वामी जी कबीर की तरह विवेक बुद्धि लगाते हैं तब कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। आपको जो आज मिल रहा है आपका किया कर्म है। अच्छा ये बताइए, कोई आदमी गलत खाता पीता है, कौन भगवान उनको गलत खाना पीना कहा? कौन माता पिता उनको गलत खाने पीने कहे हैं? आप अपने कर्मों का निर्माण तो खुद करते हैं। कर्म के आधार पर जीवन का निर्माण होता है। जैसे जैसे आपका कर्म होता है वैसे वैसे आपका जीवन का निर्माण होता चला जाता है। इसलिए बच्चों को सही संस्कार दीजिए। आदमी बंधुओं, बच्चे आपको एक सौगात मिला है बच्चे की ओर से कि आप अपने जीवन का निर्माण करिए। आज सौभाग्य मिला है, बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिनके कोख में, बहुत से ऐसे पति और पत्नी हैं जो माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, माँ बाप के लिए अपने जीवन में तरसते रह, बच्चे पैदा हो अपने माँ बाप बने इसके लिए जीवन भर तरसते रह जाते हैं, उनके कोख में बच्चे नहीं आते हैं। और आप सौभाग्यशाली है, आपके कोख में बच्चा आया है और आप माँ बाप बन चुके हैं, दादी दादा बन चुके हैं। सौभाग्य मिला है, स्वर्ग बना दीजिए घर को। सौभाग्य मिला है आपको, जीवन में संचार करिए। आपके बच्चे इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो आपका नाम रोशन ले, आपका नाम ले कि मैंने एक ऐसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया है जिन्होंने मुझे सभ्यता सिखाया, जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, जिन्होंने मुझे सम्मान सिखाया, जिन्होंने मुझे जीवन में एक नया दिशा दिया है। आप क्या सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? जीवन में निर्माण करना है आपको, अपने ही जीवन का निर्माण करना है। और यदि आप जीवन का निर्माण नहीं कर पाए तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। मैं घटना बताऊं, एक बच्चा घर में रहता था, रोज उनकी माँ और उनकी दादी में लड़ाइयाँ होती। लड़ाई के दौरान ये होता कि अंतिम में रोते रोते रोज दादी माँ कमरे में जाती थी, रोज रोते रोते माँ कमरे में जाती थी, दादी माँ कमरे में जाती थी, स्थिति रोज बच्चा दिखता था। एक दिन होता ये है कि दादी माँ रोते रोते कमरे में जा रही है, हारमोनियम ना बजाइए भैया, रोते रोते बच्चा, रोते रोते दादी माँ कमरे में जा रही है, उसके पीछे पीछे एक बच्चा जा रहा है। और बच्चा जाता है अपने दादी माँ के कमरे में और अपने दादी माँ का पल्लू उठाता है और रो रही उस दादी माँ का आंसू पोंछता है और पोंछते पोंछते बोलता है, दादी माँ तुम रो मत, एक चुनौती है। जो बेटे अपने माँ के अपने पिता को सम्मान नहीं दे पाते हैं, अपने माँ पिता को सम्मान नहीं दे पाते हैं, उनके लिए चुनौती है ये। वो बच्चा बोलता है दादी माँ तुम रो मत, मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी शादी हो जाएगी तो मैं अपने पत्नी से कहूंगा कि तुम अपनी सासू माँ की कभी सेवा मत करना, क्योंकि वो अपनी सासू माँ से रोज लड़ा करती थी। कौन सा संस्कार दिया तुमने? बच्चे को कमजोर मत बनाइए और बच्चे को अपाहिज मत बनाइए। आप सभी से एक निवेदन है, बच्चे को कमजोर और अपाहिज मत बनाइए। बच्चे जैसा जन्म लेता है और जैसा जन्म लेता है उनके मन में कोई मान्यताएं नहीं है, उनके मन में कोई भ्रम नहीं है, उनके मन में कोई कल्पना नहीं है,
लेकिन जैसा बच्चा जन्म लेता है उनके गले में ताबीज लगा देते हैं, उनको झाड़ना उनको फूंकना सिखा देते हैं, क्या क्या सिखा देते हैं, इससे कुछ भी नहीं होता है। इस बात को मैं बड़े बड़े मंचों में हम गए हैं और चैलेंज देते हैं, इससे कुछ भी नहीं होता है। जितने धूर्त बैठे पंडे पुजारी है सब धूर्त है एक नंबर का। आप दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को, सबका बिजनेस है व्यापार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं कई बार कह चुका हूँ, ये जितने भी बड़े बड़े जगह जो मंदिरें चल रही है ये सिर्फ व्यापार का एक केंद्र बन चुका है। मैं और भी कहता हूँ कि उस जगह से पैसा को हटा दिया जाए, 6 महीना में मंदिर समाप्त हो जाएगा, वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करेंगे, वहाँ कोई पंडे न पुजारी होंगे। 6 महीना के अंदर अंदर वहाँ से पैसा बस हटा दिया जाए, मंदिर खत्म। मंदिर किस लिए है फिर? सिर्फ पूजा के लिए है ना, पैसा के लिए बिजनेस बन चुका है आज मंदिर। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप कहा करते हैं कि हमारे बच्चे कहा नहीं मानते हैं, आपके बच्चे कैसे कहा नहीं मानते हैं? आप लोगों का ध्यान सही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मेरा ध्यान आकर्षित नहीं होता है तो मैं सही नहीं बोल पाता हूँ। कोई इधर दिख रहा है, कोई इधर दिख रहा है, पानी ना पिलाए, जिसको प्यास लगी हो उठ करके चले जाएंगे। आप अपने बच्चे को लूले और कमजोर मत बनाइए। बच्चा पैदा होता है उसको कुछ भी नहीं हुआ है और उनके गले में ताबीज बांध देते हैं, क्या हुआ है बच्चे को? क्या ताबीज के भरोसे पर उनके जीवन में कभी उनकी मृत्यु नहीं होगी? ताबीज बांध लेने के बाद में उनको जड़ बुखार नहीं होगा? ताबीज बांध लेने के बाद में वो जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त करेंगे? जो व्यक्ति आपको ताबीज देते हैं पहले उसकी स्थिति देख लीजिएगा, जो व्यक्ति आपको ताबीज देते हैं पहले उसकी स्थिति देख लीजिएगा। और यही चीज गुरुओं के लिए कहता हूँ, वही चीज संतों के लिए कहता हूँ। जिस आप संत से जुड़ते हैं, जिस आप गुरु से जुड़ते हैं, जिससे दीक्षा लेते हैं, जिससे माला लेते हैं, पहले आप उसका जीवन देखना, कहीं व्यक्ति बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू अंडा मांस मछली में तो नहीं फंसा है। बड़े बड़े गद्दी पर बैठने वाले को हमने देखा है, इधर से शराब भी पीता है, शर्म आना चाहिए ऐसे धर्म गुरुओं को, ऐसे धार्मिकों को शर्म आना चाहिए। गद्दी में बैठते हैं, व्यास गद्दी में बैठते हैं, बीड़ी और सिगरेट को नहीं छोड़ पाते हैं, गांजा के दम लेते हैं, गांजा नहीं छोड़ पाते हैं और गुरु बन जाते हैं समाज को शिक्षा दीक्षा देने वाले। आप लोग इस धर्म गुरुओं के चक्कर में कभी मत पड़ना। क्यों आप उनके अपने परंपरा के हिसाब से अपने जीवन को बदलते नहीं, परंपरा के पीछे आप रीढ़ पकड़े हुए हैं, परंपरा का पूंछ पकड़ के कल्याण नहीं हो सकता है। परंपरावादी मत बनिए, बल्कि आप सिद्धांतवादी बनिए, सिद्धांत के हिसाब से चलिए, पारक का विचार रखिए, जीवन में वो कसौटी लाइए जिसमें जीवन की सफलता, एक शब्दों में कहूं कि आप इस जीवन में कुछ भी करें जिसमें आपको संतोष महसूस होना चाहिए। आप असंतोष का काम करते हैं। आप बच्चे को कमजोर मत बनाइए, बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाइए। घटना बताऊं मैं, एक माँ रोज पूजा करती थी, भगवान की पूजा करती थी। भगवान की पूजा किस लिए है ये भी बता दूं मैं। असली भगवान हम लोग तो संत गुरुजन और माता पिता को मानते हैं, और बुद्ध कबीर ईसा मोहम्मद राम कृष्ण सभी महापुरुषों को भगवान मानते हैं, हम उसको भगवान मानते हैं। लेकिन आप किसी को भगवान मानते हैं? किसी को भगवान मानते हैं? काली देवी, जो भी भगवान मानते हैं, क्या आपके काली देवी मांस भी खाता है क्या? उसको मांस चढ़ाया जाता है? आपके काली देवी या कोई देवता शंकर भगवान गांजा भी पीता है क्या? उसको गांजा चढ़ाया जाता है? क्यों कर्मकांड, क्यों पाखंड, ऐसा क्यों है? मेरा एक प्रश्न है, मैं बच्चों पर आया हूं भाई। बच्चे, एक माँ रोज पूजा करती थी, भगवान की पूजा करती और भगवान की पूजा करती थी। एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा पूछता है, माँ आप क्या करते हो? छोटा सा बच्चा बोल रहा है क्या करते हो? माँ बोलती है, बेटा मैं भगवान की पूजा करती हूँ। इससे क्या होता है, बच्चा एक प्रश्न का उत्तर दो, दूसरा प्रश्न खड़ा रहता है, उत्तर दो तो दूसरा प्रश्न है। इससे क्या होता है, माँ बोलती है, इससे सब कुछ होता है बेटा। बच्चा का तीसरा प्रश्न, इससे सब कुछ मतलब जो चाहो वो हो जाता है माँ। माँ फिर से बोलती है, हाँ बेटा
भगवान से जो मांगो वो मिल जाता है, जैसा चाहो वैसा हो जाता है। बच्चे के दिमाग में बात सही बैठ गई। एक दिन बच्चा आगे बढ़ता है और प्रथम क्लास में पढ़ाई कर रहा है। सिक्स ईयर का हुआ बच्चा और फर्स्ट क्लास में गया, उनका एक प्रश्न आया था, उसका एक प्रश्न आया था कि भारत की राजधानी कहाँ है। उन्होंने उत्तर में लिखा, भारत की राजधानी चंडीगढ़ है। जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है, एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद में अपने साथियों से पूछता है, तुमने भारत की राजधानी कहाँ डाला? उनके साथी उनके मित्र कहते हैं, मैंने भारत की राजधानी दिल्ली डाला है, तुमने क्या लिखा? वो कहते हैं, मैंने तो चंडीगढ़ लिखा। तो उनके मित्र कहते हैं, तू तो गया, फेल हो गया। वो बच्चा बोलता है, नहीं नहीं, मेरा भगवान सब कुछ कर देगा, मैं कुछ फेल नहीं हूँ, अभी जाता हूँ मैं। वो दौड़ करके आता है और दौड़ करके आता है। रोज माँ के पास भोजन के लिए बैठता था, उस दिन वो भोजन के लिए माँ के पास नहीं जाता है, भगवान के कक्ष में जाता है और भगवान के कक्ष में जा करके भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मैंने आज भारत की राजधानी में उत्तर में चंडीगढ़ लिखा हूँ, उसको मेट करके आप दिल्ली लिख देना। दौड़ करके उनकी माँ आती है, बेटा क्या बात है, तुम रोज मेरे पास आते थे, आज ऐसा क्या हो गया? वही बात बताता है, माँ भगवान तो सब कुछ कर दे सकता है ना। माँ फिर से बोलती है, हाँ बेटा भगवान सब कुछ कर सकता है। तो कहते हैं, मैं उत्तर में भारत की राजधानी की जगह मैंने चंडीगढ़ डाला है, उसको काट करके भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि दिल्ली कर दे, हो सकता है ना माँ? माँ बोलती है, बेटा ये संभव नहीं है। आप लोगों से प्रश्न है, क्या आपके जीवन के कर्म बदल सकते हैं भगवान? क्या आपके पाप कर्मों को मिटा सकता है भगवान? जब एक उत्तर था मात्र, दिल्ली को चंडीगढ़ को दिल्ली नहीं लिख सकता भगवान, तो क्या आपके पाप कर्मों को मिटा सकता है भगवान? आप बच्चे को क्यों कमजोर बनाते हैं? बच्चे को क्यों नहीं बताते हैं कि भगवान की पूजा मन की शांति के लिए थोड़े देर के लिए अच्छी होती है? इनके पूजा और पाठ से मैं चीज कहूँ कड़वी लगेगी, भगवान एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता, तो आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? पहली बात तो भगवान क्या है ये चीज समझ में ही नहीं आता है। भगवान क्या है इसका उत्तर ही नहीं है, किसी के पास नहीं है उसको उत्तर, किसी के पास नहीं है दुनिया में भगवान क्या है उसका उत्तर। और सही उत्तर है, आप जिस दिन सही भगवान का आपको साक्षात्कार हो जाएगा, आपके जीवन से कर्मकांड और पाखंड हट जाएंगे। भगवान क्या है इस पर मैं थोड़ी देर बताऊं, फिर समय हो चुका है, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। असली देवी देवता, असली भगवान आपके घर के सदस्य हैं, आपके घर के सदस्य हैं, जो आपके विषम परिस्थिति में साथ देते हैं, आपके बीमार हो जाने पर साथ देते हैं, आपके कहीं आना है जाना है तब साथ देते हैं, आप जब एकदम विकलांग हो जाते हैं तब भी साथ देते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता तब भी साथ देते हैं, और जब आपका शरीर हलता डुलता नहीं है, चलता फिरता नहीं है, तब भी साथ देते हैं, वो भगवान आपके असली भगवान है। वो माता पिता जन है, वो है संत गुरु जन है, वो है परिवार के सदस्य है। क्या उस भगवान की आपने कभी पूजा किया है? क्या उस भगवान की कभी आपने आराधना किया है? आपने उसको भगवान माना जिन्होंने हमने खुद बनाया, उसको भगवान मान लिए अपने ही हाथों से निर्माण करके, और जिन्होंने हमको इस दुनिया में लाया पैदा किया उसको भगवान मानने से अस्कृत कर दिए। इसी वजह से आज भारत देश में वृद्धा आश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं और माँ बाप को तिरस्कृत किया जा रहा है। कौन सा भारत देश है ये? इसी भारत देश में बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद जैसे महापुरुष हुए हैं, और इसी भारत देश में आज अन्याय और अत्याचार इतना बढ़ता चला जा रहा है। यही एक भारत देश है जहां बड़े बड़े महल और बिल्डिंगें बनते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े महल और बिल्डिंगें, बड़े बड़े कमरे में भगवान को बिठाया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य कहे और सौभाग्य कहे कि उस मकान में 6 फीट का जगह नहीं है जहाँ माँ बाप के लिए जगह मिल जाए। माँ बाप का जगह वृद्ध आश्रम है। कौन सा भगवान को मानते हैं? एक भगवान भवन बनाया था, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया, करीब करीब उन्होंने 90 लाख रुपए का मकान बनाया, और मकान बनाया उसके ऊपर में लिखा था, बाहर लिखा था स्पेशल मातृ छाया लिखा था। एक संत को उन्होंने बुलाया और संत को बुलाया, अतिथि स्वागत सत्कार किया, अच्छा से सम्मान किया, पूजा अर्चना किया, विदाई दिया, सत्संग सुना, सब कुछ किया। इतने बाद संत उसको पूछते हैं
कितने लोग रहते हैं परिवार में सदस्य जिन्होंने बुलाया था, व्यक्ति बोलते हैं संत भगवान हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य में कौन कौन है, कहे हम 2 हैं, हमारे 3 बच्चे हैं और 1 माँ है। इतना में संत पूछते हैं अच्छा माँ भी है, तो माँ तो दिखाई नहीं दी, इतना देर में कहाँ गई है माँ। तो वो बोलते हैं, भक्त जी बोलते हैं, महाराज जी माँ गांव में रहती है। संत पूछते हैं माँ गांव में क्यों रहती है, वो व्यक्ति बोलते हैं महाराज जी माँ गांव इसलिए में रहती है क्योंकि माँ के साथ में इसकी बनती नहीं है, इसकी बनती नहीं है, इसकी मतलब पत्नी की नहीं बनती है। सब कुछ हो जाने के बाद में संत ने कहा मैं एक चीज कहना चाहता हूँ तुमसे, तुमने जो बाहर मातृ छाया लिखा है ना, उसको हटा देना और उसको हटा करके वहां पर पत्नी छाया लिख देना, क्योंकि यहाँ माँ की छाया नहीं है तो पत्नी छाया है लिखना ठीक है, क्योंकि माँ का यहाँ सम्मान नहीं है, माँ का सत्कार नहीं है, तो तुम पत्नी छाया ही लिख देना। वो आदमी को ठेस लगता है, क्यों अपने जिंदगी को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। माताओं से निवेदन है क्यों आपकी आपकी सासू माँ है जिन्होंने एक अखपाई जोड़ा और आपकी जीवन की अपनी जीवन की सारी कमाई को आपको लुटा दिया, क्या कभी कटु वचन बोल दे तो आपके सहने की क्षमता नहीं है, क्या कभी कटु वचन बोल दे आपकी माँ है आपकी सासू माँ है आप उनको प्यार से नहीं सह सकते हैं। और माताओं से निवेदन है कि आपकी बहू है ऐसे प्यार से सम्मान से रखिए कि उनको एहसास हो कि मेरे ही घर है। आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है। जिस दिन आपके बहू को एहसास हो जाए कि निश्चित ही घर यह परिवार ये मेरे सास ससुर है, असली माँ बाप मेरे यही है, उस दिन सच में आप एक माँ और पिता बन जाते हैं, नहीं तो सास और ससुर ही रह जाते हैं। प्रकृति का एक नियम है कि जब समुद्रों में लहर आती है तो नजदीक के गड्ढों को पहले लबालब करते हुए आगे बढ़ती है। ये समुद्र का नियम है और प्रकृति का नियम है। और आदमी का मन, आदमी का प्रकृति क्या है, दूर का ढोल सुहावन। वो माँ अच्छी लगती है जिसको सैकड़ों किलोमीटर छोड़ आए हैं, वो माँ अच्छी लगती है जिसके साथ कभी कभी मुलाकात होना है, वो माँ अच्छी नहीं लगती है जिसके साथ जीवन भर रहना है, वो बहुएं अच्छे नहीं लगती है जिसके साथ जीवन भर रहना है, वो बेटी अच्छी लगती है जो कई किलोमीटर दूर चली गई है। क्यों अपने जीवन में ऐसा विडंबना करते हैं, प्यार करके तो देखो, अपने बहू से प्यार करो, अपने माँ बाप को सम्मान करके देखो, जीवन आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आपके हाथों में है आपके घर को स्वर्ग बनाना, आपके हाथों में है। आप प्रेम से बोलना तो सीख जाइए, कल समय रहेगा तो वाणी पर सदगुरु कबीर साहब के बहुत सारे विचार है, वाणी पर कुछ चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बच्चों को आप इतना अच्छा संस्कार दीजिए, इतना अच्छा विचार दीजिए। आपके बुढ़ापे की लाठी है बच्चे, आपके हर व्यक्ति के यहाँ बैठे लोगों के सेविंग अकाउंट होंगे और सेविंग अकाउंट में किसी के सेविंग अकाउंट में 5 रुपया होगा तो किसी के सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए भी हो सकता है, लेकिन वो सेविंग अकाउंट आपका काम आए या ना आए, लेकिन आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपके बच्चे एक ऐसा सेविंग अकाउंट है जो आपके यदि सही सेविंग किया है आपने तो उसको सही आप वही विड्रा करेंगे। यदि आपने चेक काटते समय आपके चेक में आपने 1 लाख रुपए का चेक काटा और आपके अकाउंट में मात्र 80,000 रुपए है तो क्या होता है पता है, आपको फाइन लगता है फाइन। और आपने अपने बच्चे के जीवन में सही संस्कार इंक्लूड नहीं किया और सही संस्कार इंक्लूड नहीं करके सही उनसे सम्मान लेना चाहेंगे तो उसके बदले आपको क्या लगेगा, उसके बदले आपको थप्पड़ मिलेगा, क्योंकि वो शराब पी करके आएगा और सम्मान चाहेंगे तो आपको थप्पड़ ही तो देंगे ना, आपने संस्कार सही नहीं दिया। मैं लोगों से कहा करता हूँ कि आप बच्चों को
गाड़ी दो या ना दो, मोबाइल दो या ना दो, कार दो या ना दो, लेकिन बच्चों को संस्कार जरूर देना। बच्चों को उपहार दो या मत दो, उपहार ना दो तो चलेगा, लेकिन बच्चे को संस्कार नहीं दोगे तो नहीं चल सकता है। बच्चे खुद रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे। आप बच्चे का जीवन, अपना खुद का जीवन बर्बाद करेंगे और आपका भी जीवन बर्बाद करेंगे। इस एक ऐसा भारत देश है जहां आज भी विज्ञान के चमत्कार में, आज भी इतना साक्षात्कार के चमत्कार में डूबता चला जा रहा है। साक्षात्कार होते हुए आज हमारे भारत देश में 90-95% लोग आत्मा और परमात्मा, देवी देवता, खुदा, गाड़, अल्लाह, भूत, प्रे, जादू, टोना, लगन, मूर्त, अधिशासन के चक्कर में भटक रहे। क्यों? कुछ भी नहीं होता है। यदि किसी में शक्ति हो, किसी देवी देवता में शक्ति हो, किसी पंडित पुजारी में शक्ति हो, तो आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कुछ कर सकते हैं तो मुझे करके दिखा दे। किसी पंडित पुजारी में ताकत है, किसी देवी देवता में ताकत है, किसी में भूत प्रेत में जादू टोना में लगन किसी भी प्रकार में ताकत है, तो मुझे करके दिखा दे। मैं लिख के दे सकता हूँ, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। किसी में ताकत है, जब इतना पर विश्वास होना चाहिए आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी बातों को मान लो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये झूठ है। आप परखिए, परखने की दृष्टि आपके पास दो आंखें हैं और अंदर दो विवेक और विचार रूपी आंखें हैं। हमारे बाहर के आंख तो दिखाई कम देना शुरू कर दिया है, अब अंदर का भी आंख खत्म होते चला गया है। बाहर का आंख कम दिखाई दे रहा है, क्यों कह रहा हूँ बताऊं? बाहर का आंख कम दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि जब आप बीड़ी और सिगरेट पीते हैं तो उसमें लिखा रहता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आंख से दिखाई नहीं दे रहा है तब तो पी रहे हैं। हम गाली देते हैं तो जानते हैं कि इस गाली का परिणाम तलवार बरसी भी चल सकता है, इस गाली का परिणाम हथियार हाथापाई भी हो सकता है। वो जानते हैं पर भी हम गाली देते हैं तो अंधे तो हैं। और हम किसी व्यक्ति को अंधे कहते हैं तो सबसे पहले हम अंधे बनते हैं तब अंधे कहते हैं। वो तो अंधा ही है और हम खुद अंधा हो जाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि अंधे को अंधे कभी मत कहना, लंगड़े को लंगड़े कभी मत कहना, अपाहिज को अपाहिज कभी मत कहना, और आपके घर के बच्चे कमजोर हो उसको कमजोर कभी मत कहना, आपके बच्चे अलाल हो तो अलाल कभी मत कहना। आपके बच्चों को सहारा देना, बच्चे तुम बहुत कर सकते हो, उनको प्यार देना, उनको सम्मान देना, उसके अंदर हुनर और शक्ति भरना, संतों के संग करना, तो आपके जीवन बदल जाएंगे, आपके नक्शे बदल जाएंगे। यदि आपने सही सत्संग के माहौल बनाया, जीवन में कर परिवर्तन करने का प्रयास किया तो जीवन के नक्शे बदल जाते हैं, बोलने के अंदाज बदल जाते हैं। तीखे वचन मत बोलना, तीखे वचन बहुत चुभता है, तीखे वचन स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए बहुत हानिकारक होता है। जब जब आप तीखे बोलते हैं तब तब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तब तब आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब जब आप क्रोध में आते हैं, तीखे बोलते हैं, तब तब आपके आंखें लाल हो जाती है, चेहरे पर तनाव पैदा हो जाता है और आप अपने आप में नहीं रहते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। और उस समय आप कहीं क्रोध में आकर के आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो बच्चे के लिए वो जहर का काम करता है। आप इसका रिसर्च करके देख लीजिएगा। आप क्रोध में आकर के बच्चे को दूध मत पिलाना और वैसे ही आप क्रोध में आकर के भोजन मत बनाना, क्रोध में आकर के किसी को भोजन प्रसाद मत करना, क्योंकि आप क्रोध में आते हैं तो ना जाने जहर खिला रहे हैं कि भोजन आप जहर खिलाते हैं उस समय। इसलिए सभी को प्यार और सम्मान चाहिए, सभी को सत्कार दीजिए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। इज्जत की जरूरत है सभी को, प्यार की जरूरत है सभी को। एक जगह पति और पत्नी आपस में बैठे थे, पति ड्यूटी से ऑफिस से आए हैं और ऑफिस से आने के बाद में कहते हैं मुझे भोजन दो। पत्नी कहती है ए जी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। पति फिर से कहता है मुझे भोजन दो। पत्नी फिर से कहती है ए जी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। उनका पति कहता है एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, वो झल्ला गया, तुम पहले मुझे भोजन दो। उनकी पत्नी फिर से बोलती है ए जी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तब उनका पति बोलता है तुम अपने प्रेम को गोली मारो, मुझे भोजन दो। उनकी पत्नी किचन में जाती है और किचन में जाती है और भोजन पारस करके लाती है और ला करके अपने पति के सामने पटक देती है, लो भोजन करो।
तब क्या भोजन करेंगे? किसी को भी चाहिए तो इज्जत की रोटी चाहिए। एक गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला भी कहता है, भैया हम इज्जत की रोटी खाते हैं, हम गलत रोटी नहीं खाते हैं, और इज्जत और प्रेम की रोटी चाहिए। इसलिए आप सभी को बाहर वाले को तो धन्यवाद बोल देते हैं, आप लोग बाहर वाले को तो थैंक यू बोल देते हैं, बाहर वाले को असम्मान दे देते हैं। क्या आप अपने घर में कभी अपने पत्नी को, क्या आप अपने घर में कभी अपनी पत्नी को कभी धन्यवाद देते हैं? क्या जी तुमने क्या गजब का भोजन बनाया है, कभी आशीर्वाद देते हैं? कभी आपके मुख से आशीर्वाद नहीं निकलता है। कोई आदमी आपको ला करके पानी देता है, मात्र एक गिलास पानी देता है बाहर की व्यक्ति, आप अपने मुख से प्यार से बोलते हैं थैंक यू। आपके घर की पत्नी भोजन ला करके देता है, देती है, दिन भर मेहनत करती है, लेकिन आपको ठंडे ठंडे घर में आते ही ठंडे ठंडे पानी देती है, शरबत भी ला करके पिलाती है, आपका मुंह समय सिला जाता है, कुछ नहीं निकलता है, कैसे जिएंगे जिंदगी, स्वर्ग कैसे होगा, चेहरे पे मुस्कान कैसी होगी? आप जैसे ही थैंक यू बोलेंगे आपके पत्नी के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान हो जाएगा। यही तो जीने का तरीका है, यही तो जीने का तरीका है। माँ बाप यही चाहते हैं, आपस में प्रेम हो, बड़ों को सम्मान हो। हम बाहर वालों के साथ प्रेम और आनंद की जिंदगी जीते हैं, बाहर वाले को समय देते हैं, बाहर वालों के साथ बैठते हैं, लाजों में जाते हैं, होटल में जाते हैं, और बड़े बड़े लंबी लंबी चर्चाएं होती है घर में बैठ करके। क्या माँ बाप के साथ लंबी चर्चाएं होती है? घर में बैठ करके अपने बच्चों के साथ समय देते हैं आप? घर में बैठ करके क्या अपने अपने पत्नी को समय देते हैं आप? आपको अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के लिए समय नहीं है, व्यर्थ चर्चाओं के लिए समय है, दंगाबाजी के लिए समय है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के लिए समय है, मंदिर मस्जिद में जाने के लिए समय है, असली माँ बाप के लिए, असली देवी देवता के लिए समय ही नहीं आपके पास? कैसी जिंदगी जीते हैं? क्या बच्चे को आप अच्छा संस्कार दे पाएंगे? जब तक आप अपने जीवन को नहीं बदलते हैं, जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलते हैं, जब तक आपका हर कर्म, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जो कुछ करो सो पूजा, जो कुछ करो सो पूजा। इसलिए आदरणीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन है, मैंने बहुत सारे तीखे और कड़वे वचन भी कहा है, आप लोगों को कुछ बुरा लगे हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप पर इस पर विचार करना, आप सभी आप इस पर विचार करना कि सच में मैं कह क्या रहा हूँ, मानने लायक कि नहीं मानने लायक है, और मानने लायक है तो मानना, और नहीं मानने लायक है तो छोड़ देना। जिंदगी की तीन कसौटी होती है, या तो जो परिस्थिति है उसको स्वीकार कर लो, या तो खुद के साथ समझौता कर लो, या तो सामने वाले को, सामने वाला के साथ समझौता कर लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको आप अच्छी लगे तो स्वीकार करिए, या तो आप जिस परंपरा पर चलते रहते हैं उस परंपरा को निभा सकते हैं तो निभाइए, और ये सब नहीं हो सकता है तो फिर अंतिम में लड़ते और झगड़ते जिंदगी को बर्बाद मत करिए। आज अवसर मिला है जीवन में, बस आप लोगों से यही चाहता हूँ कि यहाँ से जाए तो एक संकल्प लेकर के जाए कि अब मुझे लड़ाई और झगड़ा नहीं करना है, यहाँ से जाए तो एक संकल्प लेकर के जाए, आप लोगों से करवत्था प्रार्थना है अपना जीवन में एक नए चमक पैदा करिए, और यहाँ से जाए तो बीड़ी सिगरेट आपके घर के पूरे पूरे जितने लोग बैठे हैं और साधु संत ही बैठे हैं और भक्त समाज बैठे हैं, उस बिरले घर होगा जिसके घर में एक भी बच्चा नशा दुर्व्यसन नहीं करता हो, कोई बिरला बिरला घर होगा इस समाज में बैठे, बाकी हर घर के बच्चे दुर्व्यसन में बर्बाद होते चले जाए। इसके जिम्मेदार माँ बाप है, इसके जिम्मेदार आप लोग हैं, आप लोग बच्चे को गलत दिशा की ओर ले गए हैं, आप लोग बच्चे को गलत संस्कार दिए हैं, और आप कहते हैं कि बच्चे हमारा कहा नहीं मानते हैं। आपने बच्चों को कब सिखलाया है, बच्चे को कब सम्मान की परिभाषा बताया, कब बच्चे को माँ बाप के चरणों में झुकाया सिखाया, कब बच्चे को वृद्ध आश्रम में, अनाथालय में, संतों के आश्रम में ले गए, कब बच्चे को संत गुरु के चरणों में सेवा और श्रद्धा और साधना के बारे में बताया, कब बच्चे को संतों के चरणों में झुकना सिखाया? आपने सिखाया ही नहीं है। कैसे माँ बाप का सम्मान होता है सिखाया ही नहीं है, कैसे आपके बच्चे आपका कहाँ मान जाएंगे? आपने बच्चे को सिखाया पैसा कैसे कमाना है, आपके बच्चे पैसा कमाते हैं? आपने बच्चे को सिखाया कि धन कैसे इकट्ठा करना है, पढ़ाई कैसे करना है? आपके दो मंजिला मकान था, आपके बच्चे चार मंजिला करने की ताकत रखते हैं, आपका छह बीघा जमीन को आठ बीघा करने की ताकत रखते हैं, आपके पास मोटरसाइकिल है उसे फोर व्हीलर रखने का, फोर व्हीलर खरीदने का ताकत करते हैं,
आपके बच्चे चीज सीखे हैं, क्या सिखाया है आपने? आपने वो चीज सिखाया, आपने सम्मान नहीं सिखाया, आपने प्रेम नहीं सिखाया, आपने अतिथि को सम्मान, माता पिता का सम्मान नहीं सिखाया, तो बच्चे वो चीज नहीं सीख सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग बच्चे को सही दिशा की ओर ले जाए। और भजन किसका करना है विचार करिए, आप कर्मकांड और पाखंड से बचे और संकल्प लेकर के यहाँ से सभी के सभी जाए, सभी के सभी संकल्प ले कि अब मुझे जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाना है, अपने जीवन को एक सही दिशा की ओर संचालित करना है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।